हेलो दोस्तों, ज्ञानपुर 91 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए आज हम लोग ज्ञानपुर 91 पर सचिन सर के नोट्स का CDP का पार्ट 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आप लोग एक से दो बार या तीन बार इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, जो CDP प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दोस्तों, 21-22 में दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम का जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आप लोग एग्जामपुर 91 पर जाके इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, सचिन सर के नोट्स का वीडियो है दोस्तों। चलिए दोस्तों, भाग्योत्सुकी के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है दोस्तों? सहपाठी सहयोग में। दोस्तों, भाग्योत्सुकी के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? सहपाठी सहयोग में। दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील अच्छा की विशेषता नहीं है दोस्तों? दंड और पुरस्कार का प्रयोग दोस्तों नहीं है दोस्तों। लचीला समूह गठन है दोस्तों। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता है दोस्तों। गतिशील अध्यापक है दोस्तों। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बच्चों के बारे में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है? बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। और बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश में अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। चलिए चौथा नंबर देखते हैं दोस्तों। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे से जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी को दोस्तों। एक विद्यार्थी अलीजा जिसकी नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल व्यक्तियों को संबोधित करता है जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है दोस्तों? लालन पालन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल व्यक्तियों में संबोधित करता है और जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है दोस्तों? लालन पालन करता है दोस्तों। लेव वायगोत्स्की की संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किससे प्रतिबंधित है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दोस्तों। लेव वायगोत्स्की का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है दोस्तों। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा? उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना दोस्तों। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा दोस्तों? उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देने और अपना काम दोहराने के लिए कहना है दोस्तों। बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए?
समस्या की पहचान, परिकल्पना बनना और परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों को संग्रहण, और एक समस्या और एक एक नंबर है सर, और तीसरा नंबर है बच्चों को किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए। समस्या की पहचान, परिकल्पना बनना और परिकल्पना के परीक्षण, आंकड़े को संग्रहण और समस्या को परिभाषित करना और समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना और परिकल्पना परीक्षण करना, दोनों है दोस्तों, एक और तीन है दोस्तों। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ होता है? यह व्यवस्था की असफलता है। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? यह व्यवस्था की असफलता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता अनुवांशिक है? आंखों का रंग दोस्तों। कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णता अनुवांशिक है? आंखों का रंग है दोस्तों। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले वायगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? अनुदेशनात्मक पाठ। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए ले वायगोस्की ने निम्नलिखित में कौन सी तकनीक सुनाई है दोस्तों? अनुदेशनात्मक पाठ है। चलिए आप 12 नंबर देखते हैं दोस्तों। कथन ए, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को समझना चाहिए। तर्क आर, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है दोस्तों। चलिए 13 नंबर दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है दोस्तों? बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं सुझाया गया दोस्तों। सुझाया गया ये सब दोस्तों, प्रत्येक विद्यार्थी की विशेष क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मार कर सीखने और परीक्षाओं के सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिकता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। ये सब है दोस्तों, लेकिन बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक के इनाम और दंड इस्तेमाल करना चाहिए, ये नहीं है दोस्तों। 14 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है? विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि धारण विकसित करना। निम्नलिखित में कौन सा योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज्यादा मददगार है दोस्तों? विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि धारण विकसित करना। 5 वर्षीय नसीमा को यह कर लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन प्याजे के अनुसार इसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है दोस्तों? केंद्रीयता दोस्तों। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जिन प्याजी के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है दोस्तों? केंद्रीयता दोस्तों। 16 नंबर देखते हैं। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? छात्रों को समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इनको अनुसार रूपांतरित करना, मतलब सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है दोस्तों छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। 17 देखते हैं दोस्तों। चलिए, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा और विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? परिवेश में सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन करना चाहिए दोस्तों।
बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियों को सख्त सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। जो सही है उसको देखते हैं। देख चलिए दोस्तों, बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। तीसरा नंबर दोस्तों देखते हैं ऑप्शन। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर जोर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों सदैव निराधार नहीं होता, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाता है। 19 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्थाएं हैं? परिवार है दोस्तों, मीडिया है, सॉरी दोस्तों परिवार है, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय है। कौन सी बच्चों की समाजीकरण की द्वितीय संस्थाएं? परिवार है, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय है दोस्तों, मीडिया नहीं है दोस्तों। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए ले बायगोस्ती के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए ले बायगोस्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। 21 नंबर दोस्तों, एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को भाषाओं को विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा को इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए दोस्तों। एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को भाषाओं की विविधता के बारे में जागरूक लानी चाहिए और विद्यार्थी को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए। 22 नंबर देखते हैं दोस्तों, भाषा कथन। भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकार से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प चुने दोस्तों, ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आर ए का सही व्याख्या करता है दोस्तों। कौन सा विचारधारा 23 नंबर से दोस्तों, कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है दोस्तों। 2 वर्ष 24 नंबर देखिए, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रारंभिक बचपन कहा जाता है दोस्तों। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बचपन कहा जाता है दोस्तों। 25 देखिए दोस्तों, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है, यह किसका उदाहरण है दोस्तों?
जेंडर स्थिरता का दोस्तों, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती है और उनके अनुसार व्यवहार करती है। यह किसका उदाहरण? जेंडर अस्थिरता का दोस्तों। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगा? श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी? श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। 27 नंबर देखते हैं दोस्तों, कौन विद्यार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है दोस्तों? अधिसंज्ञान दोस्तों, कौन विद्यार्थी को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? अधिसंज्ञान दोस्तों। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है दोस्तों। मीडिया और द्वितीयक दोस्तों। फिल्में और विज्ञापनों के व्यवहार में जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक भूमिका पर प्रकाश डालता है दोस्तों। 28 नंबर देखते हैं दोस्तों, लेबाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क दोस्तों। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूंगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है दोस्तों। क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है दोस्तों। चलिए सेट नंबर 1 दोस्तों खत्म हो गया, सेट 2 स्टार्ट करते हैं। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता है दोस्तों। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता है दोस्तों। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो दोस्तों, सांस्कृतिक रूप में उपयुक्त हो दोस्तों। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। 33 नंबर देखिए दोस्तों, कथन है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। बच्चों का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। सभी विकल्प चुने दोस्तों। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। निम्नलिखित में से पाड़ का सही उदाहरण क्या है दोस्तों? पाड़ का 34 का संकेत व इशारे देना। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? सामाजिक रचना संरचनावादी कक्ष की दोस्तों। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है दोस्तों? सामाजिक संरचनावादी कक्ष की दोस्तों। 36 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम और क्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा दोस्तों? सूचना प्राप्त करने के लिए कोई विकल्प प्रदान करें।
कौन सा अभ्यास अधिगम और क्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सूचित करने में प्रभावी होगा? सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। 37 देख सकते हो दोस्तों, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो? लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है, कलन विधि कहा जाता है दोस्तों। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है, कलन विधि कहा जाता है दोस्तों। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संरचनात्मक विकास को समर्थन देता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था दोस्तों। किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था दोस्तों। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा पक्ष की विशेषता है दोस्तों? प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता है दोस्तों। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता करते हैं? प्रगतिशील कक्षा कक्ष की विशेषता करते हैं दोस्तों। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़ियों व चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है दोस्तों? जेंडर पक्षपात दोस्तों, क्या दर्शाता है? जेंडर पक्षपात दोस्तों। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है दोस्तों? विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उचित आवाज दोस्तों। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है दोस्तों? विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास दोस्तों। विद्यार्थियों निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है? विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है? एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है दोस्तों? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, किस तत्व लक्ष्य का उदाहरण है? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य दोस्तों। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को मानते हैं। कारण देखिए दोस्तों, परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है दोस्तों। ये सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है दोस्तों। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिग सौ पहेली बनाने में मदद करती है? इस डैश इशारे व संकेत से पाड़ के दोस्तों, पाड़। एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची की जिग सौ पहेली बनाने में मदद करती है? डैश इशारे व संकेत से पाड़ दोस्तों। गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है दोस्तों? जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार पठन विकल्प की पहचान करता है दोस्तों? बी कोडी के रूप में लिखना 21 को 12। बी कोडिंग को लिखना 21 को 12। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो सामाजिक संरचनावादी दोस्तों। किस सिद्धांत पर आधारित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? सामाजिक संरचनावादी दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है दोस्तों? भ्रांतियों के पदचूर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना।
निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों में निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण है? दोस्तों भ्रांतियों के पद्युत्तर हेतु उपयोग और अवलोकन के अवसर देना। दोस्तों जिन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? मुक्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों जिन प्याजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? मुक्त संक्रियात्मक अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित दैनिक विकास की किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं? आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीका खोजना। दोस्तों मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने तरीका खोजना। दोस्तों देखिए दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में संबंध में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा किसकी सिफारिश की गई है? दोस्तों निजी विद्यालयों में आरक्षण। दोस्तों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई? दोस्तों निजी विद्यालयों के में आरक्षण। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? निष्क्रिय नकल। दोस्तों विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? निष्क्रिय नकल से। दोस्तों नए स्पष्टीकरण तैयार करना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों को मूल्यांकन करना निम्न में से किस के महत्वपूर्ण भाग हैं? दोस्तों समावेश्य समाधान। दोस्तों नए स्पष्टीकरण तैयार करना। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोगों से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस के महत्वपूर्ण भाग हैं? समस्या समाधान का। दोस्तों बच्चों के क्वेश्चन नंबर 57 है। दोस्तों बच्चों के अपनी समस्या में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तरकार। दोस्तों समाजीकरण एक प्रक्रिया जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों के जरिए होती है। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या ये करता है। दोस्तों बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तर्क है। दोस्तों समाजीकरण एक प्रक्रिया है बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों में जरिए होती है। ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या करता है। दोस्तों मानव तीन अंगों की संख्याओं का जोड़ करने में आनव तीन अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह दर्शाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोस्तों क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। दोस्तों चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? दोस्तों लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम पर। दोस्तों निम्नलिखित में कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करती है? दोस्तों सामाजिक वर्ती काग्र। दोस्तों कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करती है? दोस्तों सामाजिक वर्ती काग्र।
चलिए दोस्तों 61 नंबर सेट नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर 200 क्वेश्चन का पार्ट है दोस्तों, 100 क्वेश्चन का आज वीडियो पार्ट फोर बनाया जा रहा है दोस्तों, फिर पार्ट फाइव दोस्तों 100 का बनाया जाएगा। तब देखिए और कितना बचता है। पेपर वन का ये CDP का प्रीवियस ईयर का वीडियो है दोस्तों। विद्यार्थियों में एक संप्रदाय में अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए दोस्तों? नियमों को समझने और अवधारणाओं की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दे दोस्तों। चलिए आगे दोस्तों 62 देखते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए दोस्तों? ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, परिवार है दोस्तों जिम्मेदार। डैश बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है परिवार दोस्तों। 64 नंबर देखते हैं दोस्तों। लेबैगोस्ट की निम्नलिखित में से किस कारकों को बच्चों के संज्ञात्मक विकास के लिए मानते हैं? संस्कृति को दोस्तों। एक नंबर है दोस्तों संस्कृति और भाषा को दोस्तों। लेबैगोस्ट की निम्नलिखित किन कारकों को बच्चों के संज्ञात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? संस्कृति और भाषा को दोस्तों। एक शिक्षिका हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रहने के लिए यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही डैश का उदाहरण है दोस्तों। जनरल रूढ़िवादिता का उदाहरण दोस्तों। एक शिक्षिका हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसा कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा करने रखने के लिए यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यही जनरल रूढ़िवादिता का उदाहरण है दोस्तों। वो विद्यार्थी जिनमें अध्ययन न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाले चुनौतियों से की जा सकती है? किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना है दोस्तों। जो वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाले चुनौतियों की से की जा सकती है दोस्तों? किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना है दोस्तों। शिक्षक अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण दोस्तों। अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? चारों होता है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 सभी होता है दोस्तों। निम्न कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों के अधिगम से जुड़ा प्रभावित होता है दोस्तों। परिवार समाजीकरण समक्षी सांस्कृतिक मूल्य बच्चों का आत्मसम्मान। निम्नलिखित में कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों के अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है दोस्तों? पारिवारिक समाजीकरण समकक्षी संबंधों सांस्कृतिक मूल्य बच्चों का आत्मसम्मान। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। लेबैगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन
लेब एगोस्की के अनुसार इनमें से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? अध्यापन और मूल्यांकन के लिए दोस्तों। 1.5 से 2.5 साल की उम्र में उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तात्प्रसित वाचन, वंचित और हाँसी पर स्थित समूहों को भाषा और संस्कृति की स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है दोस्तों? शिक्षा में समानता दोस्तों। वंचित और हाँसी पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति के स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने के लिए अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? शिक्षा में समानता दोस्तों। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस बात का समर्थन करता है दोस्तों? बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। बच्चे की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों की संज्ञान नहीं करते हैं। शिक्षिका की विद्यार्थियों के खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने और अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करता है। शिक्षिका के विद्यार्थियों की सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। इस संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सीखने को बेहद प्रभावित करता है। जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रतिक्रियाओं को समाहित करता है दोस्तों? समायोजन व समावेशन दोस्तों। जिन प्याजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? समायोजन और समावेशन। पूजा अपने दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलबर के नैतिक विकास का किस चरण में है दोस्तों? आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास के क्रम में है दोस्तों। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास में है दोस्तों। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना चाहिए। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए? अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षक शैली विकसित करना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान करता है दोस्तों? गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम। कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम। कठिनाइयों की पहचान, लक्ष्य निर्धारित, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदना अनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल और महत्वपूर्ण चरण है दोस्तों? समस्या समाधान है दोस्तों। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल और महत्वपूर्ण कार्य चरण है दोस्तों? समस्या समाधान है दोस्तों। परिवार में आरंभ होने वाली युवा प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं क्या कहलाती है दोस्तों? प्रारंभिक समाजीकरण कहलाती है दोस्तों। प्रारंभिक समाजीकरण है दोस्तों।
मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी तथा यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी परंतु प्रतीकों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। पूर्व संक्रियात्मक है दोस्तों। मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी तथा यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी और परंतु प्रतियों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। मीना प्याजे के एक संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है? पूर्व संक्रियात्मक पर है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास की पूर्वगामी है? वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है दोस्तों। कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चों में संज्ञात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास की पूर्वगामी है? वैगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है दोस्तों। सतत या व्यापक मूल्यांकन में सतत में से क्या अभिप्राय है? सतत या व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है दोस्तों? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ मूल्यांकन करना है, उनकी सहायता करना है दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना है, उनकी सहायता करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आंसर है दोस्तों। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक के छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचाने त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना। रचित एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों को चिंतन को समझने में मदद करते हैं। कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत के दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। कोलबर के भौतिक विकास सिद्धांत के दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। रसीम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? ले वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दोस्तों। रसीम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करते हैं? ले वैगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दोस्तों। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। तो यह किस को दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता दोस्तों। लड़की को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है। यह किस को दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है दोस्तों। रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करना चाहिए? त्रिआयामी नक्शे और चार जैसे स्पर्शिक की संसाधनों का प्रावधान करके दोस्तों। रमनिक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशित का समायोजन करना चाहिए? त्रिआयामी नक्शे और चार जैसे स्पर्शिक संसाधनों का प्रावधान करके दोस्तों। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी अक्षर में आकर भ्रमित बी और डी में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं?
पठन विकल्प के दोस्तों, राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता और बी और डी अक्षर अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है, यह किसके प्राथमिक लक्षण है? पठन विकल्प के दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है दोस्तों? यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। लॉरेंस कॉनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? प्रथा पूर्व चरण को दोस्तों। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों को पालन करना किस चरण को दर्शाता है दोस्तों? प्रथा पूर्व चरण को दोस्तों। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। निम्नलिखित कथनों में बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है दोस्तों? बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता विद्यालयों में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है दोस्तों। गुणज विकल्प सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गुणज विकल्प सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से दोस्तों। बच्चों को बार बार यह बोलने की वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है दोस्तों? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित और निष्प्रेरित हो जाएगा। बच्चों को बार बार यह बोलने से वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देते हैं? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित और निष्प्रेरित हो जाएगा। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्वता पर जोर देता है। पारस्परिक क्रियाओं पर दोस्तों, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया डैश की महत्ता पर जोर देता है। पारस्परिक क्रियाओं पर दोस्तों, कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है दोस्तों? सरकार दोस्तों। कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है दोस्तों? सरकार। लेब आइगोस्की के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चे का सीखना संदर्भ में होता है। सामाजिक सांस्कृतिक लेब आइगोस्की के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चे का सीखना संदर्भ होता है। सामाजिक सांस्कृतिक डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरे के मनोदशाओं स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अंतर व्यक्तित्व का दोस्तों डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं और स्वभावों और आशयों को पहचानता तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। अंतर व्यक्तित्व को दोस्तों थैंक यू दोस्तों। पार्ट फोर का वीडियो दोस्तों यहीं तक अंत किया जाता है। 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों। आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों अगर अच्छा लगे तो दोस्तों, नहीं अच्छा लगता है दोस्तों तो स्किप कीजिए दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों सब्सक्राइब करना है। एग्जाम्पल 91 को अगर लगता है कि हाँ चैनल चलना चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, नहीं तो स्किप कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।